गुड मॉर्निंग मिथेरियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बैक टू बैक मीटिंग्स में इंगेज चल रहा हूँ, स्केड्यूल पूरा टाइट है, तो मेरी वीडियो आपके बीच में काफ़ी टाइम के बाद आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आप पूरी कम्युनिटी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ हमारे राइजर कॉइन की CMC लिस्टिंग को लेके, कॉइन गीको की लिस्टिंग को लेके और एज वेल हमारी टायर वन पोलोनिक्स एक्सचेंज, जिसको हम लेजेंडरी एंड ओल्डेस्ट एक्सचेंज मानते हैं, जो लास्ट 10 ईयर से एग्जिस्ट करती है क्रिप्टो स्पेस के अंदर और एक बड़ा यूजर बेस है। तो फर्स्ट उसमें ही हमारी कंपनी ने राइजर कॉइन को पोलोनिक्स एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो राइजर कॉइन की जो बिगिनिंग है वो एक जबरदस्त तरीके से हुई है, और 8th of April, क्योंकि हम सभी को पता है कि 8th of April से राइजर कंपनी ने स्टेक करना स्टार्ट कर दिया था अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, और हमने स्टेकिंग का बेनिफिट भी लिया है। 8th April से लेकर 30th April तक कंपनी ने 730 डेज की स्टेकिंग में हमें सेम परसेंटेज दी। उसके बाद 1 मई से लेकर जो टाइम पीरियड था 730 डेज का, उसको 900 डेज कर दिया गया स्मार्ट के अंदर, फिक्स में 3 ईयर्स हमारा चल ही रहा है। तो अभी आपके साथ में एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं। जैसे आपको पता है कि हमारा राइजर कॉइन सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो चुका है, लिस्ट हो चुका है, ट्रेड हो रहा है और धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जो पोलोनिक्स एक्सचेंज है वो कंपेन रन कर रही है, ठीक है, और साइन अप बोनस दे रही है, स्टेकिंग के ऊपर रिवॉर्ड दे रही है। आप स्टेक भी कर सकते हैं राइजर को बाय करके, तो आपके पास मौका है कि आप स्टेकिंग रिवॉर्ड एक्सचेंज के थ्रू भी ले सकते हैं। और जो हमारी कंपनी मीथर जो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो राइजर की स्टेकिंग रन कर रही है, उसमें तो आप बेनिफिट ले ही रहे हैं। तो दोस्तों अभी 18th of July, आपको पता है 100 डेज राइजर के लॉन्च डेट से 18 जुलाई को कंप्लीट होंगे। तो 18 जुलाई के बाद जो आपका स्टेकिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मार्ट स्टेकिंग की बात करूं, फ्लेक्सिबल स्टेकिंग, तो 150% से लेकर 250% तक है। तो 18 जुलाई रात 1:30 AM तक तो आपको ये सेम मिलेगी, लेकिन 19th of July 2024 से आपको अगर आप ट्रायल पैकेज लेंगे $30 का, तो उसमें मिलने वाला है 125%। अगर आप लेंगे $90 का पैकेज तो उसमें मिलेगा 150%। आप लेंगे उसके ऊपर $270 का पैकेज तो उसमें मिलेगा 155। अगेन $450 का पैकेज लेंगे तो मिलेगा 160%। अगर $900 का पैकेज लेंगे तो मिलेगा 165%। मीन्स जैसे जैसे आप एक एक पैकेज को ऊपर लेके जाते जाएंगे, बाय करते जाएंगे, 5% एवरी पैकेज में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और हाईएस्ट पैकेज जो हमारा इन्फिनिटी पैक, उसमें मिलेगा आपको 210%। वहां पर 10% का इंक्रीमेंट कंपनी ने 54,000 वाला जो पैकेज है मास्टर प्रो पैकेज, उसके बाद आपका जो सीधा 10% का वो किया। कहने का पर्पस क्या है कि कंपनी 125% की स्टेकिंग से लेके 210% तक अब आपको फ्लेक्सिबल में देगी। अब अगर हम बात करते हैं APR एनुअल परसेंटेज रिटर्न, तो एनुअल परसेंटेज रिटर्न जो हमारी बैठती है मिनिमम से मिनिमम, वो बैठती है $90 पैकेज के अकॉर्डिंगली, ये बैठती है 20% पर ईयर, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा APR है, जो आपको किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं मिल सकता। सिर्फ मीथर अपने ही एसेट के ऊपर आपको दे रहा है, तो जहां पर आप एक अच्छा खासा अपनी एसेट वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप फिक्स में जाते हैं तो फिक्स के अंदर आपको मिलने वाला है 175% से। अगर आप ट्रायल पैकेज बाय करते हैं तो उसमें आपको मिलेगा 175% फिक्स स्टेकिंग के अंदर, लेकिन अगर आप $90 का स्टार्टर पैकेज बाय करते हैं तो आपको मिलेगा 200%। और 200% से लेके मैक्सिमम जो आपको मिलना है फिक्स स्टेकिंग में, वो मिलना है 250%। तो दोस्तों 3 साल की आपकी फिक्स स्टेकिंग है और 2.5 साल का आपका फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है।
तो 18 जुलाई लास्ट आपके पास मौका है कि जो भी करंट में एपीआर चल रहे हैं, एनुअल परसेंटेज रिटर्न जो चल रही है, उसमें आप राइजर को ग्रैब कर सकते हैं। 18 जुलाई के बाद जो भी कॉइन मार्केट कैप का रेट होगा, एक तो उस रेट में आपको राइजर मिलेगा। अभी आपको 20 सेंट के अंदर मिल रहा है, शायद 19 जुलाई को आपको 30 सेंट में मिले। तो दोनों एडवांटेज आपके पास है 18 जुलाई से पहले राइजर को एज पर एपीआर में ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए, और प्राइस का भी बेनिफिट लेने के लिए कि 20 सेंट में आप राइजर को 18 जुलाई से पहले स्टेक कर सकते हैं। 19 जुलाई को जो है जो भी कॉइन मार्केट कैप का करंट प्राइस होगा, उस प्राइस में आपको राइजर की स्टेकिंग मिलेगी। और जैसे पहले भी हमारी मैनेजमेंट बता चुकी है, राइजर में किसी भी तरह की कोई टर्म नहीं रहेगी। जितने नंबर ऑफ एम राइजर आपके अवेलेबल होंगे, वो राइजर आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा स्टेक कीजिए और अपनी एसेट वैल्यू को इंक्रीज कीजिए। वी आर वन, वी आर मीथर। थैंक यू सो मच।